नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में लोगों को हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक नंबर जारी किया था और कहा था कि 2400 घंटे ये नंबर काम करेगा और इस पर बिहार का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यूज 18 ने इस दावे की पड़ताल की है, नतीजा क्या निकला इस रिपोर्ट में देखिए। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहे। नाइन फोर थ्री जीरो नाइन वन 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 वन। फिर से इस मोबाइल नंबर को नोट करिए, 9430911111। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे के दौरान लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद अपना निजी नंबर जारी कर दिया था। मंत्री जी ने दावा किया था कि इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति 2400 घंटे शिकायत करके शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकता है। न्यूज 18 ने लैंड सर्वे के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों के बारे में बताने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर कॉल किया। यही वो नंबर है जो आप देख सकते हैं, 9430911111। और हम बात करने की कोशिश करते हैं दिलीप जायसवाल, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, वह लोगों से किस कदर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। देखिए, हमने कॉल किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं, काफी व्यस्त भी रहते हैं। हो सकता है जब हमने कॉल किया हो तो उस समय उनका स्टाफ भी कहीं गया हो, इसलिए हमने एक बार फिर से इस नंबर पर कॉल किया। और एक बार फिर से हमने ये नंबर जो है कॉल किया है दिलीप जायसवाल। पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर लगातार दो बार कॉल की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। देखिए, ये हमने रियलिटी चेक इसलिए किया है कि कई लोगों ने हमसे न्यूज 18 से ये शिकायत की कि हम कॉल करते हैं जो ये नंबर जारी किया गया है उस पर, लेकिन फर्दर कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आता है। हमने भी कॉल किया, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मंत्री की ओर से जारी नंबर पर कॉल ना उठाने का सवाल जब बीजेपी के प्रवक्ता से किया गया तो उनका क्या जवाब था, सुन लीजिए। कौन कहता है कि फोन नहीं लग रहा? हजारों कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं और आगे भी दर्ज होंगे। वहीं जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान किया जा रहा है। इसमें जो लोग आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ी करने का, वैसे पर सरकार एक्शन भी ले रही है। अभी दो अधिकारियों पर राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। सवाल है कि लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने नंबर जारी किया था, जब कोई कॉल ही नहीं उठाएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था, लेकिन अब वादा नंबर 2 भी सामने आ गया है।
उन्होंने सरकार बनने पर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का वादा कर दिया है, जिससे मिथिलांचल का तेजी से विकास होगा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के वादों पर लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई है। अगर सत्ता तेजस्वी की आई तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे, मतलब ये कि मिथिला के विकास पर जोर दिया जाएगा। तेजस्वी यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने पिछले 20 साल में मिथिला के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आभार यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर बड़ा वादा किया है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, एमडीए, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करे। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी को लालू प्रसाद की विरासत को लेकर चलने वाला बताया। तेजस्वी यादव उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने बनाया था। अब आप सोचिए कि क्या विरासत थी उनके समय में। आज जो एमडीए और मिथिला विकास और ये सब कह रहे हैं, उनको ध्यान में है ना कि हम बिहार की जनता को, कि उनके समय के निगम और बोर्ड की स्थिति क्या होती थी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए, वे दिन में सपने देखना छोड़कर अपने पिता के शासनकाल के कुकृत्यों के लिए बिहार वासियों से माफी मांगे। तेजस्वी दिन में सपने देखना छोड़ दें, सबसे पहले इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में जो बिहार लूट अथॉरिटी बन गई थी, बिहार नरसंहार अथॉरिटी बन गई थी, उसके जो विक्टिम्स थे उनसे माफी मांगे। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी का मिथिलांचल प्रेम बहुत कुछ इशारे कर रहा है। 3 दिन पहले ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और अब मिथिला विकास प्राधिकरण का नया शिगुफा बता रहा है कि आरजेडी चुनावी मोड में है और तेजस्वी चुनावी मोड में। दिल्ली से मितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मिथिलांचल कहने पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मिथिला एक वृहत क्षेत्र है जिसका विस्तार देश की सीमा से पार तक है। मिथिला की अपनी ऐतिहासिक विरासत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू परिवार के डीएनए में ही मिथिला का अपमान है। तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के कारनामे को दोहराया है। वे मिथिला को मिथिलांचल कहकर एक छोटे से क्षेत्र में सीमित और विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों जितना काम किया है, मुझे आज भी याद है कि मिथिला और कोसी अलग अलग था और महासेतु बनाने का काम रेल मंत्री जब थे अटल जी के सरकार में, प्रधानमंत्री जी को ले गए और उन्होंने मिथिला और कोसी को एक कर दिया। इसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं मिथिला को लेकर के, उन लोगों ने तो मैथिली भाषा को बीपीएससी से निकाल दिया था। जब नीतीश जी की सरकार बनी 2015 में, तब 2005 में, तब उन्होंने मैथिली भाषा को बीपीएससी में लेके आए। एनडीए के सरकार में अटल जी ने मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दिया और अभी जब मौका मिला कि दो एयरपोर्ट गया बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दोनों एयरपोर्ट मिथिला में बनेगा, एक दरभंगा में और एक पूर्णिया में। जब दूसरा एम्स गया बिहार को, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया, केंद्र से दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन वो कहां बनेगा वो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि मिथिला के दरभंगा में बनेगा। और पिछले 17-18 साल में मिथिला में रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली देना हो, अन्य व्यवस्था करना हो, मखाना का सेंटर खोलना हो, मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो, मैं 100 चीज गिना सकता हूं जो मिथिला में चीजें पिछले 18 साल में बदली है। जो बोल रहे हैं वो तो मिथिला को रसातल में पहुंचा दिए थे। मिथिलांचल पर तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री मदन सैनी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के आरोप और दावे दोनों गलत हैं। श्री यादव ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण कराएंगे, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया मिथिलांचल के विकास के लिए। देखिए, इसमें दो तरह की बात है। एक तो सबसे पहले सरकार नहीं आएगी उनकी,
चूँकि 2025 से 2030 तक फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है, और उसका कारण एक दूसरा वजह तो यह है कि 15 साल में उन्होंने विफल सरकार के रूप में सभी क्षेत्रों में उनका जग जाहिर है, और तीसरी बात यह रही कि जो मिथिलांचल का वो विकास की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल में आपको जो महासेतु है जिन्होंने आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो मिथिलांचल दो भागों में बटा हुआ था उसका निर्माण हुआ, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो सिलचर से पोरबंदर तक का जो सड़क है जिसको 4 लेन हम कहते हैं उसका निर्माण इसी 2006 के बाद हुआ था। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और इसे लेकर वीडियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जेडीयू ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वीडियो जारी कर आरजेडी को जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने वीडियो जारी कर कहा कि आरजेडी मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। जनता दल वह मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, ट्वीट ट्वीट वीडियो वीडियो ये खेल चल रहा है, तो ट्वीट भी फर्जी, बासी 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 समझते हैं ना कि 2-3 दिन बाद याद पड़ा, कोई न्यूज आज चला और 2 दिन बाद उसको स्मरण आ रहा है। तो ये हालात बिहार की राजनीति के में हो गई है, हो गया है। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है, और विमर्श स्वस्थ विमर्श की यह शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो, सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया, और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी, उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी, हमने उन्हें संजीवनी दी, इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी वीडियो जारी कर आरजेडी को जवाब दिया है। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि मुझे सीएम बनाने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में रोजगार के लिए नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए। लालू जी का वीडियो जिसमें नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश जी का योगदान रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था ये देश और दुनिया जानती है, लेकिन इसी बिहार को नीतीश कुमार ने जो है कहां से कहां पहुंचा दिया है ये सब जानते हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि आरजेडी को आग्रह का पर्यायवाची नहीं पता है, और राबड़ी देवी जी के तरफ उन्होंने वो आग्रह कर रहे थे। आरजेडी के लोगों को आग्रह और गिड़गिड़ाने में शब्द का शायद पर्यायवाची नहीं पता है, आग्रह का पर्यायवाची गिड़गिड़ाना नहीं होता है। दो हिंदी के शब्दकोश में अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनकी धारणा सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता ने को नीचा दिखाना, और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को जो बूथ पर चाय दुकान पर नीतीश जी की बात करते हैं उनके मनोबल को गिराना और झूठी बात का प्रचार करना। बिहार में जारी वीडियो पॉलिटिक्स पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पर आरजेडी जो बोल रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी नहीं होते तो आरजेडी 2015 में ही खत्म हो गया होता। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई बातचीत किसी भी संदर्भ में किसी की होती है तो चाहे इधर वाले लोग हों या उधर वाले,
इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, तो नैतिकता है। बाकी जिस संदर्भ में बातें की जा रही है, आरजेडी तो लगभग समाप्त ही हो गया था 2015 विधानसभा चुनाव में। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिला होता तो आरजेडी पूर्णतः आज देश और बिहार की राजनीति के नक्शा पर नहीं होता। तो बिहार में जारी वीडियो पॉलिटिक्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, रस्सी जल जाने के बाद भी अपने जनाधार का पता राष्ट्रीय जनता दल को नहीं चल पा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से मुख्यमंत्री को अपमानित करने की भाषा बोली जा रही है। बिहार की जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका जवाब देगी। क्या बातें कही जा रही है, मतलब कोई सम्मान से लेना देना नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का, भूल चुकी है सम्मान की बातें। अरे रस्सी जल गई, एठन अब तक नहीं जला क्या? तो रस्सी जलने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल को अपना जनाधार पता नहीं चल रहा है और लगातार मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने की भाषा माननीय तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता दे रहे हैं, लेकिन सनद रहे, याद रहे, इसका जवाब बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। दरअसल शुक्रवार को बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने वो वीडियो जारी किया जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से क्षमा मांग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने दावा किया कि 10 नवंबर का वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी की ओर से साइड कॉर्नर किए जाने के बाद आरजेडी के पास दोबारा आए थे और दोबारा उन्होंने माफी मांगी थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव कभी झूठ नहीं बोलते और नीतीश कुमार का हाथ जोड़ता ये वीडियो उसका सबूत है। तो बिहार में वीडियो पॉलिटिक्स जारी है। आरजेडी के वीडियो का जेडीयू ने वीडियो जारी कर पलटवार किया है। हम आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप ये वीडियो पॉलिटिक्स समझ पाएंगे। पहले आरजेडी ने वीडियो जारी किया जिसका जेडीयू ने आज वीडियो जारी करके जवाब दिया है। तो ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए आरजेडी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था सीएम नीतीश कुमार का, और उसके बाद जेडीयू की तरफ से दो वीडियो जारी करके पलटवार किया गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह वीडियो पॉलिटिक्स हो रही है, यह राजनीति की सुचिता को खत्म कर रही है। जो विश्वास था वो भी समाप्त हो गया है। ये सब चीजें बिहार की जनता के हित में नहीं। व्यक्ति का ओछापन और मेरी समझ है राजनीति की ये सुचिता भी नहीं है और इससे विश्वसनीयता में गिरावट है। बहुत सारे वीडियो होंगे जब आप किसी से 2,000 करोड़ रुपया वसूल रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो। वही जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा ने दिल्ली प्रभारी के तौर पर अपना पदभार संभाला है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। इस मौके पर भगवान सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूं। अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दिल्ली का प्रभारी बनाया, और दिल्ली की प्रभारी बनाने के पीछे बहुत बड़ा राज है। शैलेंद्र जी हम लोग के पार्टी के यहाँ राज्य के अध्यक्ष है और शैलेंद्र से मेरी बात करते रहते हैं। हम ये जितना मेहनत करते हैं उतना ही मेहनती हम भी हैं। हम पार्टी के फुल टाइमर नेता, हमारे जिम्मे दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ संगठन का काम करते हैं और पार्टी का जो विस्तार में लगे रहते हैं। और इसलिए हमको यहाँ पर भेजा गया चूँकि यहाँ विधानसभा का चुनाव होना, तो विधानसभा के चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए ताकि यहाँ जो केजरीवाल साहब हैं और उनके कुछ लोग हैं जो बिहार के वोटरों को पूर्वक बना करके राज भोग रहे हैं,
अब वोटरों के साथ छल कर रहे हैं तो उनका भी पोल खोलना है। देखिए आज दिल्ली प्रदेश का प्रभारी के रूप में हमारे माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी ने पदभार ग्रहण किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। पहले से मैं लगा हूँ, पिछले बार भी हम लोग दो सीटों पर यहाँ चुनाव लड़े थे और इस बार पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने 10 सीट पे मजबूती से तैयारी की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।